हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, आपका जो है एमएस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 3 फरवरी 2022 पूरा बर्फबारी अभी बर्फबारी हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा पूरा व्हाइट पूरा एरिया जो है बर्फ की भद्रता भी हो रही है। अभी शाम के जो है 5 बज रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा इधर में बर्फ से भर रहा है। हमारे साथ इधर पर बहू जी इंडियन आर्मी के जो है श्री जयसिंह पवार बहू जी अभी हमारे साथ जुट के देख रहे थे हमने, और ऊपर से हमारे जैसे श्री प्रयाग कुमार बहू जी हैं जो अभी अपने किचन के सामने दरवाजे पे खड़े हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को जो पहली बार ये बहुत टाइम के बाद जो है अभी मैं घर में हूँ, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। आप लोगों को दिखा रहा है बच्चे सामने भी पहाड़ों पर भी जो है बर्फ से पूरा हो चुका है, क्योंकि इधर पर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, पूरा कोहरा लग चुका है। अभी बर्फबारी जा रही है और लगता है कि कल सवेरे तक अभी लगभग 1 या 2 इंच जो है बर्फबारी हो चुकी है। मैं इस साइड का एरिया दिखा, पेड़ पौधों वाला दीपू जी है, बिहाइंड द कैमरा हमारे दीपू हैं। ये दीपू फिर से ठंडा होने लग गया है हमेशा की तरह। ये देखिए पूरा पेड़ों पर अभी सामने का, कल जब धूप आ जाएगी आप लोग वो देखा, नीचे का देखिए ये पूरा खेतों में बर्फबारी हो चुकी है। हमारे बूबू जी इधर पर जा रहे हैं, ये इधर पर बर्फ से खेलते हुए बर्फ से मारता कृष्णा, ये कृष्णा ने जो दीपू को बर्फ को मारा और ये दीपू भी बर्फ से कृष्णा को मारा, आराम से बर्फ के साथ खेलते हुए। ये देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये चारों ओर क्या है। मैं कब से इंतजार कर रहा था और ये नजारा हमको देखने को मिला, और टाइम से हो रही थी लेकिन बर्फबारी लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रही, 2-3 4 इंच बर्फबारी हो रही है। अभी बर्फबारी हो रही है, चारों ओर का नजारा दिखाएंगे, दीपू घुमा पूरा कैमरा घुमाओ। और ये और सामने जो है पेड़ों पर भी देखोगे आप, जो है पेड़ों पर भी लग शायद बर्फबारी है। और यहाँ पे तीन साइड वाले हमारे घरों में जो है खूब बर्फबारी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ऐसा इधर पेड़ों पर देखिए पूरा व्हाइट, तो दोस्तों जैसा कि हम बचपन में क्या करते थे, गोला बनाते थे बर्फ का। अभी देखो इसको मोड़ मोड़ के बड़ा गोला बनाएंगे। अभी जैसा कि अभी पुष्करदा अभी बगल में हमारे, देखो ये धीरे धीरे इसको हम बड़ा बड़ा होते जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए ये देखो आगे आगे, ये देखो उधर पर फिलहाल हम पहुँचने वाले पुष्करदा के पास, उन्होंने भी जो है आपने बहुत बड़ा गोला बना रखा है पूरा पूरा ऐसे करके, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये तो इसको इधर पर रखेंगे, अभी दूसरा ये गोला बना के फिर बड़ा ज्यादा बहुत बड़ा गोला बनेगा। आप लोग साइड से आना, इस साइड से आगे को जाते रहे ना, ऊपर बने तो ये देखिए हम इसको गोला बना के आप लोगों को दिखाऊंगे। अभी तो मैं ले जा रहा हूँ इधर, वो उसके बाद अभी जब बड़ा हो जाएगा तो इधर में लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये इसको करने में बहुत मेहनत, हाथ में ठंडी भी लग रही है। बोला देखो पीछे से पुष्करदा ने दिखाई गोला बनाते हुए। ये देखिए जैसे कि पुष्करदा ने बहुत ही बड़ा गोला बना चुके हैं, पूरा एक टायर की तरह, इसमें जो है दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये देखो बाप रे, ये इसलिए टन के हिसाब से, ये देखिए आप, ये पुष्करदा कह रहे कि तेरे हाइट का भी बराबर का गोला बना दे। ये इसको देखो पूरे सीज में पूरा पहाड़ जैसा, अभी बहुत ही टॉन के साथ सीज का वेट हो चुका है। यहाँ तो पुस्ता गिर ही गए थे, गिर गया था उस टाइम पे गोल भी बनाएंगे पलटा पलटा में। ये
भौसागर में इसको प्लेन करते हुए टायर, ये देखिए जेसीबी का टायर बनता हुआ हमारे पास। अभी तो ये देखो भाई लोग कैसा जैसा, ये हैवी वेट सर्कल देखो, इसको संभालना भी पड़ा है तो हाथों में ठंड भी लग रही है दोस्तों। गिर गया, थोड़ा सा गिर गया, इसको अभी खड़ा करना पड़ेगा, ये तो ऐसे पलटा के गोला बनाना पड़ेगा, हाथों में बहुत ठंड भी लग रही है। यहाँ पे हमारे दादी लोगों को बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, इतना भारी हो गया ये, उठा ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या करे, अकेले आदमी की तो बस की बाहर है ये। ये देखिए भाई लोग कैसा लग रहा है आपको नजारा, देखिए नजारा, और फिर वो इतना बर्फ, और ये धुराशरण का फील्ड के आगे का हिस्सा, और ये झंडा धार, एक फौजदार और रगाणी। तो दोस्तों पहले तो देखो आप लोगों को बर्फ का गोला बनाना है, आपने क्या करना है, एक छोटा सा बर्फ इकट्ठा कर लेना, उसको टाइट करना, उसके बाद नीचे जमीन में रखना है, फिर उसको जो है ये देखिए बर्फ को घुमाते रहो, बर्फ उससे चिपक के जाएगा और ये रुका जाएगा, उसको आप हम दूसरे टेक्निक से बनाएंगे, गोल करेंगे पूरा इसका आकार, आगे टायर बना के जो कि इसको मैं पूरा आकार दूंगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है एक गोला बना रखा बर्फ, उसके हाथ भी बिल्कुल लाल उसके हमारे ठंडे से खुशखदार में, इसको जो है हमारा प्लान है कि इसको जो है इधर से नीचे से चट्टान से नीचे को लैंड करने का है। इधर पे देखो कैसी आवाज आता है, इतना बड़ा जेसीबी का टायर जैसा हो चुका है, इधर मैंने कंट्रोल का रोक रखा, अब हम देंगे इसको धक्का। तो दादी जैसा कि आप लोगों को दिखा हुआ शॉट में दो टुकड़े हो गए थे उसका, तो ये अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा फिर आते हैं जी, वो चारों ओर का नजारा जैसे कि आप लोग देख लेंगे, जैसे कोटा बनने वाला की ऊपर टॉप में इंदिरा, ये पलथला लम्फला, ये लम्फला पलथला हो गया पूरा सा लम्फला पलथला, और वो ऊपर साइड में ये क्या कहते हैं पटोला, पटोला जैसे थोड़ा सा पटोला देखा पार, पटोला स्कूल है जीपू महेंद्र कामरा हमारे जीपू है इसका स्कूल, इसके ऊपर साइड देखो पेड़ों पर बर्फबारी का जो जबरदस्त सीन दिख रहा होगा, खूबसूरत नजारा आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हमारे बर्फ के साथ खेलते खेलते बहुत हाथ ठंडे हो चुके हैं, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अगर बर्फबारी पहली बार देख रहे तो कमेंट करके बताएं, और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा आप लोगों को, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे मनोजा देखिए बर्फ में लेटते हुए पुष्कर दा भी, ये देखिए पुष्कर बहुत स्पीड से जा रहे हैं, पुष्कर दा मनोज दा तो एकदम हा हा करते हुए, अरे ये पुष्कर दा भयान झेल गो, इधर से नीचे खेत है, खेत है खेत, ओयो टिपू ने मेरे को फेंक दिया रे, बहुत मजे करते हुए तीसरे खेत में गिर गया लज्जू। आज ही डर मिले ना यार, ये भी दिखा तो कैसे हो, ठीक हो, यहाँ पे मनोज और पुष्कर दा बर्फ में घूमते हुए, और ये यहाँ से ग्राउंड में जा रहे हैं, पुष्कर दा तो नीचे खेत यहाँ पे इनको तो पता ही नहीं चल रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है इनको।
देखो बंदर भी जो है संघर्ष करते हुए बर्फ के साथ यहाँ पे। ये देखिए बंदर भागते हुए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चले गए सब बंदर भाग के। ये एक बंदर और नीचे जा रहे देखो बर्फ में, देखो ये बंदर देखो ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बंदर भी भागता हुआ इधर में दीपू हमारे और पुष्पा। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा खूबसूरत नज़ारा, संपूर्ण में जो बर्फबारी हुई है जैसे पहाड़ों में आप देख रहे हो, ये खुआगुदेरा वाला एरिया है उसके पेड़ों में भी बर्फबारी हुई है। और सामने ये भुन्नामा उसके ऊपर ये हक्तू बोलते हैं, हक्तू वाला टॉप आ गया, ये आ गया वाला नीचे वाला रास्ते के ऊपर, ये फिर ठुलपाड़ बोलते हैं और ये लमथला वाला एरिया इस साइड वाला पलथला, और ऊपर जो है जहाँ पर सुखाड़ी धुरा है उसके नीचे वाला एरिया है। और नीचे आप लोगों को देख रहे हो टैटी टैटी वाला एरिया इधर है पुष्करदा, और स्कूल और चार और जहाँ भी बर्फ ही बर्फ दिख रहा होगा आपको। बहुत टाइम के बाद इस साल में जो है जनवरी और फरवरी के महीने में घर में हूँ, तब जाके मैं बर्फबारी देख पा रहा हूँ दो तीन सालों के बाद। सबसे पहले तो बर्फ में सोने का बहुत ही आनंद है, और हम ऐसे ऐसे गोल गोल जाएंगे यार। गल गल रानी कहाँ कहाँ जाती, ओहो वाह वाह क्या मजा आ रही है रे। यहाँ पे तो बर्फ बर्फ से कपड़े भीग गए, मनुष्य तो बार बार किनारे की तरफ ही जा रहे हैं, कभी समंदर में जाने की कोशिश नहीं करते। उसका तो देखो तो वो सीधे समंदर में जा रहे हैं। हम अभी तक जो है 100 बार ऐसे शक्कर काट के बोल बोले, ये कुत्ता भी भूखता हुआ इंसान करता है। आपको कैसा लग रहा है? अभी जो है 50 बार घूम चुके हैं हमेशा, अभी शहर भी घूम रहे हैं, मतलब चक्कर आ रहे हैं ऐसा गोल गोल घूम के, गोल गोल घूमने में बहुत ही मजा आ रहा है। आपको कैसा लगा पुष्करदा? पुष्करदा तो शर्मा गए है, झट्टो बोल रही है। आपको कैसा लगा रिंगते हुए?